बिग बॉस के घर के अंदर आधी रात को देखने को मिला एक काफी बड़ा चमत्कार। जी हाँ, ये चमत्कार काफी बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जानी दुश्मन, दो जन एक कंटेस्टेंट के जानी दुश्मन थे एंड दोनों ही उससे सॉरी मांगना चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ और आधी रात को ऐसा क्या हुआ इन चारों पांचों के बीच में, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि जो विवियन डे सिन्हा है एंड रजत दलाल, ये दोनों जो कि ईशा एंड चाहत वाणी, इन दोनों के बीच में फाइट हुई थी, इन दोनों के बीच में सुलह करवाने का ट्राई करते हैं। एंड अगर आपको नहीं पता, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा मतलब टोन को लेकर काफ़ी बहुत गंदी फाइट हुई है। मतलब कि बिचिंग जैसा होता है ना, वैसा बिच फाइट करते हैं वैसा, मतलब कि एक दूसरे को खाने को आ गई थी ऐसा इन दोनों के बीच में चाहत एंड ईशा में फाइट हुई। लेकिन रात को जब रजत एंड विवियन एक दूसरे को इनको समझाते हैं, रजत जाके चाहत पांडे को समझाते हैं एंड विवियन एंड रजत दोनों जाके ईशा को समझाते हैं कि भैया कुछ नहीं होता है, ऐसे लड़ते नहीं है, जाके सॉरी बोल लो। तो अगर तुम्हारी गलती है तो चाहत को भी कहते हैं कि यार सॉरी फील कर लो अगर तुमने कुछ गलत बोला है तो। जी हाँ, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के पास नहीं जाता है। लेकिन ये दोनों रजत एंड विवियन पूरी रात लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं पे जाके ईशा एंड चाहत पांडे थोड़ा नॉर्मल बातें करने लगती हैं। जी हाँ, एक दूसरे से बातें करती हैं, उस लड़ाई को लेकर कोई सॉरी नहीं बोलता, लेकिन इन दोनों में बात शुरू हो जाती है। वहीं पर रजत दलाल विवियन डेसेना को कहते हैं कि भैया तुम भी बोल लो, तुम क्यों नहीं बोलते चाहत पांडे के साथ, अच्छी लड़की है यार, इतनी बुरी लड़की नहीं है, तुम भी बात कर लो उसके साथ। लेकिन वहीं पर विवियन कहते हैं अरे नहीं, मेरे को बात ही नहीं करनी है उसको, मैं तो देखना नहीं चाहता उसको। ये तो चलो ठीक है, ये दोनों की ऐसी फाइट हुई थी, मैंने सोचा चलो मैं नहीं बोलता तो और क्यों ऐसे करें, तो मैंने इसको थोड़ा मनाया। लेकिन मैं तो उस लड़की को नहीं बुलाने वाला, पता नहीं मेरी उसके साथ क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे को देखना भी पसंद नहीं है उसको। ऐसा आखिर क्या हुआ है, बिग बॉस के घर से बाहर शायद कुछ हुआ है, या बिग बॉस में स्टेज पे एंट्री के वक्त उन्होंने कुछ बोला था, या कुछ भी एक्स वाई जेड क्या होता है, कंटेंट दे रहे हैं आप देखो क्या होता है क्या नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। लेकिन ईशा एंड चाहत की सुलह इन दोनों ने करवा दी थी, जो कि काफी काबिले तारीफ थी। कोई नहीं कर रहा घर के अंदर, इनकी फाइट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने काफी अच्छे से ये टेकल किया। इसके ऊपर आपके क्या है कहना, प्लीज कमेंट के अंदर बताना, और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें।